वी लुकअप एंड एच लुकअप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले फॉर्मूले में से एक है। इफ यू आर लुकिंग करियर एज ए डेटा एनालिस्ट और ए डेटा साइंटिस्ट, यू मस्ट हैव टू नो हाउ टू यूज वी लुकअप एच लुकअप फॉर डेटा एनालिसिस पर्पजेज। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम वी लुकअप और एच लुकअप को डेटा एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख रहे हैं, कॉलम ए में कुछ स्टूडेंट्स के नेम दिए गए हैं, कॉलम बी में उनका वेट, कॉलम सी में उनकी हाइट दी गई है। इन्हीं स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट कॉलम ई में दिए गए हैं जिनका हमें वेट एक्सट्रैक्ट करना है। ये वेट हम वी लुकअप फॉर्मूले से एक्सट्रैक्ट करेंगे। वी लुकअप मीन्स वर्टिकल लुकअप। ये फॉर्मूला वर्टिकली अवेलेबल डेटा के अंदर से डेटा एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। तो सबसे पहले इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, वी लुकअप टाइप करेंगे। वी लुकअप टाइप करने के बाद देन कोमा बटन प्रेस करेंगे, फिर हमें टेबल एरे सेलेक्ट करना है। टेबल एरे हम कॉलम ए से लेकर कॉलम सी तक सेलेक्ट करेंगे। कॉलम ए के अंदर हमारी वो वैल्यू है जो हमें लुकअप करनी है। पहला कॉलम हमारा वो होगा जहाँ से हमें लुकअप वैल्यू को फाइंड आउट करवाना है। इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, देन कॉलम इंडेक्स नंबर हमें काउंट करना है। तो जहाँ से टेबल एरे स्टार्ट होगा वो हमारा कॉलम नंबर 1 होगा और उसके नेक्स्ट के सिक्वेंशियल कॉलम्स हमारे कॉलम 2, 3 एंड 4 होंगे। वेट हमारा कॉलम 2 के अंदर है तो हम यहाँ 2 प्रेस करेंगे। देन हमें ये एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्स मैच चाहिए, तो इसके लिए हम एग्जैक्ट मैच को क्लिक करेंगे, ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारे पास सोफिया विल्सन का वेट आ गया। अभी इसी सेम वैल्यू को हम बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए इसे ड्रैग करेंगे या डबल क्लिक करेंगे। तो ये फॉर्मूला हर एक स्टूडेंट के सामने अप्लाई हो गया। अगर हमें हाइट एक्सट्रैक्ट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइट के लिए हम इसी फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, क्योंकि हमारी हाइट कॉलम नंबर 3 में अवेलेबल है टेबल एरे के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ 2 की जगह 3 रिप्लेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ हमें हाइट प्राप्त हो जाएगी। सेम इसी हाइट के फॉर्मूले को बाकी स्टूडेंट्स के सामने इसे अप्लाई करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, तो ये फॉर्मूला बाकी स्टूडेंट्स के सामने भी अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह हम वेट एंड हाइट को वी लुकअप फॉर्मूले के हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम अब एच लुकअप के लिए देख लेते हैं। एच लुकअप को हॉरिजॉन्टली अवेलेबल डेटा सेट के अंदर से डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। यहाँ हम कुछ स्टूडेंट्स का वेट एच लुकअप से करेंगे, तो इज इक्वल टू देन एच लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, देन टेबल एरे, यहाँ हम रो 1, 2, रो 3 को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा एरे हुआ। अब इसे इस सिलेक्शन को हमें लॉक करना होगा, F4 की को प्रेस करके हम इसे लॉक करेंगे। देन क्योंकि हमारा वेट रो नंबर 2nd में अवेलेबल है, तो यहाँ हम कॉलम या रो इंडेक्स नंबर हम यहाँ 2 सिलेक्ट करेंगे। 2 के बाद फिर हम कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ एग्जैक्ट मैच को क्लिक करके ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ हमारा वेट आ गया। इसी फॉर्मूले को बाकी स्टूडेंट के सामने अप्लाई करेंगे, इसे ड्रैग करके फॉर्मूले को नीचे तक, तो ये फॉर्मूला हर एक स्टूडेंट के सामने अप्लाई हो गया। सेम वैसे ही हम अगर हमें हाइट कैलकुलेट करनी है तो हाइट के लिए भी हम इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे और 2 की जगह, क्योंकि हाइट 3 वाली रो के अंदर अवेलेबल है, तो यहाँ हम 2 की जगह 3 रिप्लेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो हमें हाइट प्राप्त हो जाएगी। सेम फॉर्मूले को हम दूसरे स्टूडेंट के सामने भी अप्लाई कर लेंगे ड्रैग करके, तो इस तरह से हर एक स्टूडेंट की हाइट प्राप्त हो गई। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।